गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा इंदौर में सेकंड डे है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। सुबह से बारिश होने के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, तो अब सबसे पहले हम आए हैं गणेश मंदिर। और यहाँ की पार्किंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है भाई। वैसे बिल्कुल अमृतसर वाली फील आ रही है। हाँ पता है अमृतसर में भी ना ऐसे ही है, मतलब ऐसे दुकान है बीच से ऐसे जाने का। बाद में बड़ा मंदिर है। निशुल्क हर्बल टी। अब हम आ गए हैं छप्पन दुकान। इतना ज़्यादा कवर तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, जगह ज़्यादा है। स्किप कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जाना नहीं जाना। मैंने कहा यहाँ चलना है। ये पूरा पार्किंग एरिया है और उसके बाद अंदर जाएंगे हम सीधा। अलग अलग डिश ज़्यादा नहीं ट्राई कर पाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बनू ऐसे ही उसमें लिखे हुए हिंदी लैंग्वेज में। ये वो है जो आर्य समाज का हवन होता है ना, उसमें उसमें ऊपर पेज में ऊपर लिखे होता है आज तक। आप कभी इंदौर में आए तो कोकोनट क्रश ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जो मतलब नेचुरल है ना, ये जिस तरह से हमारी आंखों के आगे बनाया है, तो बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यम था। छप्पन दुकान विज़िट करने के बाद हम लोग आ गए हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में। इस मंदिर की ख़ास बात ये है, पूरा गुफा 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 में बना हुआ है, और ये किसी कॉलोनी में था, किसी रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ था। तो हमें लगा बाहर से कि हाँ छोटा मोटा मंदिर होगा, बट पूरे इंदौर का जितना मैं घूमी वहाँ का मेरे को ये सबसे बेस्ट मंदिर लगा। आइए देखते हैं क्यों। मंदिर लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग मंदिर है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मंदिर है। इतने बड़े बड़े मंदिर वहां चले गए, वहां भी प्रसाद नहीं मिला। एक कॉलोनी के अंदर मंदिर है, वहां प्रसाद मिला है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी अन्नपूर्णा टेम्पल। आइए अब अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इंदौर में ये लगा कि वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा क्लीन थी, बहुत ज़्यादा नीट थी। एज़ वेल एज़ आप वीडियो में देख सकते हैं, वॉल्स पे काफ़ी अच्छी तरह पेंटिंग्स हुई हुई थी, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। अभी आप देखना बहुत सारा कलरफुल कलरफुल भी पेंट था, लाइक रेनबो कलर की तरह उन्हें वॉल्स को पेंट किया हुआ था। मेरी बहन, हमारी शाम की ट्रेन थी तो हम इंदौर को इतना ही एक्सप्लोर कर पाए। तो अब हम अपने डिनर के लिए गुरु कृपा में आ चुके हैं। अगर आप लोगों को गुरु कृपा में आना है तो नॉर्मली बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास पास है, तो वहीं पे एक अच्छा सा होटल था, तो हम लोग अपने डिनर के लिए आ गए हैं। खाना बहुत अच्छा था, यम था, बढ़िया था। अगर आप प्रेफर करना चाहें तो आप आ सकते हैं। अगर आप गुरु कृपा में विज़िट कर रहे हैं तो डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिक और स्पेशल फूड होता है, तो हमने स्पेशल वाला ही ऑर्डर किया था एंड इट वॉज़ लिटरली यम। एम्बियंस भी आप देख सकते हैं, एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाना भी अच्छा था। तो अब जल्दी से डिनर करते हैं और फिर हम अपना वापस चलेंगे। ओह ये क्या हुआ, हम गए तो उधर से तो और निकले हम इधर से। नाइस। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिम कॉर्बेट ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ। और भी अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टाटा, टेक केयर।